कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान 3-4-5 MLAs ने क्रॉस वोटिंग करा है, उसके बारे में मैं पहले भी बात रख चुका हूँ। उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी, उसके ऊपर हमने एक कमेटी बनाई है और उसके ऊपर हम पूरी जांच कर कर किसी को शक के बिना पर नहीं उसकी पुख्ता जांच करके और हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी वो जांच कमेटी के ऊपर छोड़िए किस तरह से करेंगे, लेकिन जो कोई व्यक्ति अगर क्रॉस वोटिंग करता है तो कहीं ना कहीं उसका चाल चलन के ऊपर उसका कोई ना कोई बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो मेरे ख्याल से जांच कमेटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसका मेरे ख्याल से इस प्रेस वार्ता के दौरान उसका खुलासा नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव के अंदर भी कुछ इस तरह की बात आई थी, हमने चंद घंटों के अंदर उन लोगों को सस्पेंड कर दिया और उन लोगों को हमने पार्टी से निकाल दिया। नहीं वो तो बात मैंने उसका जवाब आपको दे चुका हूँ ना मैं, कि गद्दारों के लिए अगर हाँ जो आप लोगों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है तो ऐसा कैसे चलेगा? नहीं तो उसका मुझे आप प्रूफ आप मुझे प्रोवाइड करा देना, उनके ऊपर मैं कार्रवाई कर दूंगा। लेकिन जांच कमेटी का काम जो है वो उनको कर लेने दीजिए, जो भी बात लगेगा इसके अंदर हमने बात करी है कि 2 हफ्ते के अंदर हम कुछ कार्रवाई करेंगे।